नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत आज के नए ब्लॉग पे। और अभी मैं लगभग बजने साथ अभी मैं नहा धो के नीचे आ गया। आज हूँ मैं मदुरई में और अभी हमें मुझे यहाँ से चलना है सीधा जो चेट्टीनाड है वहाँ पे, और तंजावुर टेम्पल आज हम देखने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों जैसे भी मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, और देखिए ब्रेकफास्ट में आज ये उत्तपम, पोंगल और सैलेड और ये बड़ा। तो दोस्तों जो लगेज वगैरह वो गाड़ी में लोड कर दिया, और अब सब तो दोस्तों अब हम सब लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं सीधा चेट्टीनाड के लिए। हमने जो मेन हाईवे है वो पकड़ लिया है, और पहले हम जाएंगे चेट्टीनाड विजिट करेंगे और फिर जाएंगे वहाँ से सीधा तंजावुर के लिए। तो दोस्तों जस्ट अभी मैं पहुँच चुका हूँ चेट्टीनाड, पूरा ग्रुप जस्ट बैक साइड में, और अब चलते हैं यहाँ से जो हवेलियाँ वगैरह वो विजिट करने के लिए। चेट्टीनाड की हवेलियाँ, चेट्टीनाड की बनियों के जो मकान है वाले सभी 20वीं शताब्दी के हैं ये। तो दोस्तों जैसे अभी हम घूम रहे हैं चेट्टीनाड में, और देख लीजिए मेरे पीछे कितनी कितनी सुंदर सुंदर ये बिल्डिंग्स है। सभी यहाँ के जो उस वक्त के जितने भी जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, व्यापारी वर्ग, उनसे सभी ये बिल्डिंग्स थी, उनसे उन्हीं से सब रिलेटेड है। कुछ एक में अभी कन्वर्टेड है होटल में, कुछ एक रेस्टोरेंट में। तो ये देखिए दोस्तों ये वाला मकान अब हम जाएंगे विजिट करने के लिए अंदर की तरफ से। बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, और पूरा पूरा ग्रुप जस्ट अभी आया है। तो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये सबसे जो पुराना पार्ट है यहाँ का, और हवेली के अंदर जो सबसे 150 साल पुरानी हवेली, और देख लीजिए पुराने पुराने जितने भी ये चीज़ें हैं यहाँ पर इन्होंने काम में ली हुई है। और इसका एक पार्ट ये है, पूरी छत है, पूरी वुडन की छत ये बनी हुई है। और इसके बाद में ये वाला पार्ट है जो अंदर की तरफ से आप ये देख रहे हो, देख तो देख लीजिए चेट्टीनाड में जो चेट्टियारों की हवेलियाँ होती थी वो वाला ये पार्ट है। तो देख लीजिए पुरानी हवेली यहाँ की पूरी, और ऊपर से आप देख रहे हो। No, sí, tú dura. दोस्तों जैसे अभी मैं पहुंच चुका हूँ जो अय्यनार टेम्पल वॉल विजिट करने के लिए, और मेरे चारों देख रहे हो आप घोड़े घोड़े, और अब चल रहे हैं जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। पीछे देख रहे हो मेन गेट, तो अब चल रहे हैं इसी वाला रोड लेके सीधा मंदिर देखने के लिए। डेली ये मेन गेट अय्यनार भगवान के मंदिर में जाने का सभी ग्रुप आ रहा है, और अब बस पकड़ के हम चल रहे हैं सीधा यहाँ से तंजौर के लिए। तो दोस्तों जो अय्यनार टेम्पल था वो भी जस्ट देखिए हम लोग रवाना हो चुके हैं यहाँ से सीधा तंजौर के लिए। तो जैसे अभी मैं रुका हूँ यहाँ पे जो काजू का डेमोन्स्ट्रेशन वो देखने के लिए, और देख लिया आप मेरे पीछे जितने भी ये छोटे छोटे कैबिन वगैरह देख रहे हो, ये सभी लोग यहाँ पे काजू बेच रहे हैं। और ये देख लीजिए जिन्होंने काजू यहाँ पे सुखा रहे हैं, और ये देख लीजिए पूरे पूरे लोग इधर ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, और मेरा पूरा ग्रुप जैसे अभी नीचे उतर के आया है। तो अब देखते हैं काजू उस टाइम में काजू कैसे, इस काजू को सेकते थे और कैसे ये काजू फिर सेक के फिर बेचते हैं। ¿Cuánto? 500 gramos. ¿Qué es eso?
तो दोस्तों जैसे अभी हम रुके हुए थे यहाँ पे काजू खरीदने के लिए, देख ले पूरा पूरा ग्रुप है और यहाँ पे पूरी जो पुरानी टेक्निक है उसे काजू पकाते हैं और फिर यहाँ पे देख लीजिए तमिलनाडु में जहाँ पे मैं रुका हूँ यहाँ पे काजू की खेती होती है और यहाँ पे देखो कितने काजू ये लोग सब यहाँ पे बेच रहे हैं और ये पुरानी जो टेक्निक है इससे काजू को सेका जाता है। तो दोस्तों जैसे अभी हमने काजू खरीद लिए थोड़े बहुत और चल रहे हैं यहाँ से ना। दोस्तों जैसे अभी ये पहुँच चुके हैं तंजौर में जो हमारा रेस्टोरेंट है वहाँ पे और अब करते हैं यहाँ पे लंच पूरा। तो अब यहाँ तो दोस्तों जैसे अभी होटल पहुँच के अब हो गया टाइम लंच का और करते हैं आज का लंच और आज के लिए देख लीजिए जिसमें अभी दाल पनीर सब्जी रोटी और चावल मैंने लिया और सूप और पनीर। तो दोस्तों पूरा ग्रुप यहाँ पे बैठ गया है और अब करते हैं आज का लंच अभी में तंजौर में। तो दोस्तों जैसे अभी ये पहुँच चुके हैं जो नायका पैलेस है तंजौर में वो वाला जिस मेरे बैक साइड में आप देख रहे हो और ये देख लीजिए यहाँ पे जो अंदर की तरफ चल रहे हैं। ये देख लीजिए दोस्तों मैं हूँ अभी जो नायका पैलेस जो तंजौर के अंदर बना हुआ है और इसके ये वाला पार्ट है जिसको अभी इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है और ये देख लीजिए बिल्कुल जो आपके सामने में आपको दिखा रहा हूँ ये उस वक्त का 16th सेंचुरी का बना हुआ पैलेस है जिसकी हाइट है 53 मीटर्स। फर्स्ट पार्ट तक हम लोग अलाउ है उसके बाद में ऊपर ज़्यादा चढ़ सकते नहीं है और ये देख लीजिए पूरा का पूरा 18th सेंचुरी का जो पैलेस है ये वाला वो बना हुआ है। ये जो उस वक्त दरबार हॉल हुआ करता था आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से और ये देख लीजिए आ लीजिए ऊपर फिर टूर पर लगाओ और ये देख लीजिए अंदर से पूरा पूरा जो अभी म्यूजियम जो आर्ट जो ब्रॉन्ज गैलरी आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है जिसमें इसमें अभी इसको कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे और ये संभोजी राव मराठा 18th सेंचुरी और यह देख लीजिए आप पूरी की पूरी जो पेंटिंग देख रहे हो ये मराठाओं द्वारा 18वीं शताब्दी में इसका इसको किया गया था। बीच में श्री राम और सीता का विवाह इसमें दर्शाया गया था। ओके तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम बृगदेश्वर टेम्पल विजिट करने के लिए और दी अब देख रहे हो पूरा पूरा यह है बृगदेश्वर मंदिर का मेन गेट और अब चल रहे हैं यहाँ से जो शूज उतार के डब। तो देख लीजिए दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ जो राजराज चोला प्रथम ने जो चोला डायनेस्टी की थी उन्होंने जो मंदिर बनाया था बृगदेश्वर मंदिर वाला देखने के लिए और ये देख लीजिए टोटल इस मंदिर में इस टाइप की जो नंदी देख रहे हो 1008 नंदी है यहाँ पे टोटल और ये 3 गेट अंदर जाने के लिए और ये यहाँ का सबसे इंडिया का 3rd लार्जेस्ट नंदी जिसका वजन है 25 टन और जो पेंटिंग देख रहे हो आप अंदर की तरफ ये पेंटिंग 18वीं शताब्दी की और इसकी हाइट है 4.5 फीट। तो देख लीजिए ये मेन मंदिर जो बृगदेश्वर टेम्पल मंदिर के नाम से जाना जाता है जिसकी हाइट है 61 मीटर और ये मंदिर 1003 से 1010 ईस्वी में इसको बनाया गया था 11वीं शताब्दी में और यहाँ पे ये है ये पार्वती मंदिर जिसकी जो बनाया गया था 16th सेंचुरी में मराठों द्वारा और ये है बिल्कुल सामने आप देख रहे हो नंदी और बिल्कुल साथ ध्वज स्तंभ जो इसके सामने की तरफ है। तो चारों ही देख रहे हैं जितने मंदिर और नीचे की तरफ है यहाँ पे शिवलिंगम एक्सलेंट और ये हिंदुस्तान का एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट स्टोन से बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर। दोस्तों जैसे भी मैंने आपको दिखाया था बृगदेश्वर मंदिर जो राजेंद्र राजचोला ने बनाया था बनने का समय लगा लगभग 7 साल जो 1003 से 1010 ईस्वी में बनाया गया था। तंजौर को कांस्य नगरी भी कहा जाता था ब्रॉन्ज कैपिटल ऑफ इंडिया। देख लीजिए जो मंदिर है उसकी हाइट है लगभग 61 मीटर जो ऊपर आप शिखर देख रहे हो बिल्कुल जो इसका वजन है 81 टन और ये पूरा पूरा मंदिर है 11th सेंचुरी का बना हुआ। इधर ये वाला जो मंदिर है ये गणेश मंदिर है और उधर वाला आप जो दूर देख रहे हो वह है कार्तिकीय मंदिर।
दोस्तों, जैसे कि हमने जो बृगेश्वर मंदिर है तंजौर का वो वाला विजिट कर लिया है और अब चल रहे हैं यहाँ से सीधा होटल के लिए। सर, वी आर कमिंग फ्रॉम मदुरई। दैट्स व्हाई वी आर टू लेट सर। वी स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 एंड जस्ट राइट। तो देख रहे हैं, तो दोस्तों देख लीजिए, जैसे अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे जो हमारी होटल है इंडिगो सोमेलाई, और सभी का वेलकम जो जैस्मिन जो फ्लावर है उसके साथ में। और ये देख लीजिए मेन जो होटल का मेन जो एंट्रेंस जो पोर्च है वो वाला। ऊपर ऑन थे लेंथेरी है सिलू प्ले ऑन थे वो लेंथेरी पुल अब वास्तु द बीए मन्यू नो ले वाली से मोज जे फे वे मोज ले पासपोर्ट allez chérie pour la boisson de bienvenue et après on va bouger pour le dîner. तो दोस्तों, हम सब लोग पहुंच गए हैं होटल, अभी और हो गया डिनर का टाइम। अब करते हैं आज का डिनर, मैंने ले लिया और पूरे गेस्ट वगैरह उन्होंने भी कर लिया, और आप देख लीजिए मेरे बैक साइड में रेस्टोरेंट है। तो अब करते हैं आज का डिनर और हम फाइनली पहुंच चुके हैं इंडिगो सोमेलाई जो हमारी होटल यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसे भी मेरा डिनर कम्प्लीट हो चुका है और आज के व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो व्लॉग पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज़। और दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई व्लॉग में, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई उमंग के साथ में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।